नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान विस्फोट। बांग्लादेश में किशोरगंज शहर में एक सुरक्षा जांच चौकी पर किए गए ग्रेनेड हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हमला राजधानी ढाका से करीब 140 किलोमीटर दूर किशोरगंज शहर में एक ऐसे क्षेत्र के निकट हुआ जहां ईद की नमाज के लिए करीब 2,00,000 लोग इकट्ठा हुए थे। जिला प्रशासक जिल्लुर रहमान ने बताया कि इस हमले में 2 हमलावर भी मारे गए हैं। हमला ईद की नमाज शुरू होने से तुरंत पहले हुआ। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। देशभर में हर्षोल्लास से मनाई गई ईद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। देशभर में गुरुवार को ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि हमें इस अवसर पर मानवता की सेवा के लिए खुद को पुनः समर्पित करने के साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशी बांटना चाहिए। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत दुनिया के कुछ अन्य देशों के नेताओं को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह विशेष दिन सौहार्द एवं शांति की भावना को गहरा बनाएगा। उदयन एक्सप्रेस CFT पर पटरी से उतरी। मुंबई बेंगलुरु उदयन एक्सप्रेस के इंजन की 2 व्हील ट्रॉली गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ट्रेन के छूटने के बाद एक क्रॉसओवर पॉइंट पर पटरी से उतर गई, जिससे उपनगरीय रेल सेवाएं बाधित हुई। प्लेटफॉर्म संख्या 17 से सुबह 8:14 पर ट्रेन के छूटने के बाद घटी इस दुर्घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के चलते मुख्य लाइन पर उपनगरीय ट्रेनों में 20 से 30 मिनट का विलम्ब हुआ। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका को चेताया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दक्षिण चीन सागर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से फोन पर बातचीत की। बातचीत में वांग ने दक्षिण चीन सागर को अपनी संप्रभुता का विषय बताते हुए इस बात को भी दोहराया कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। साथ ही वांग ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए अपनी संप्रभुता के मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए भी कहा। गौरतलब है कि नीदरलैंड के द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलीपींस ने चीन पर पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा कर अधिकार जमाने का आरोप लगाया है। चीन में जबरदस्त बाढ़ से 181 लोगों की मौत। चीन में एक सप्ताह तक भारी बारिश के चलते आई जबरदस्त बाढ़ से तटबंध टूट गए, शहर और गांव जलमग्न हो गए, सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ गया और कम से कम 181 लोग मारे गए या लापता हो गए। चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार देर रात कहा कि वुहान नगर में एक सप्ताह में 57.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस शहर में 80,00,000 लोग रहते हैं। करीब 1,70,000 लोगों को अन्य जगहों पर पहुंचाया गया है और 80,000 से अधिक लोगों को आश्रय गृहों में रखा गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।